हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खई। T20 क्रिकेट का जमाना है और हर देश में, हर शहर में फिलहाल T20 क्रिकेट की धूम मची हुई है। ऐसे में एमिरेट्स T20 लीग भी शुरू हो चुकी है और जबरदस्त अंदाज में वो जो है बिल्कुल खेली जा रही है। अब ऐसे में जो मुकाबला है एमिरेट्स T20 लीग के बारे में अगर बात करें तो फुजायरा और शारजहां के बीच में होने वाला है, जिसके बारे में फैंटेसी 11 डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैच का क्या होगा, कौन जीत रहा है इस मैच को, मैच प्रेडिक्शन होगा, साथ ही साथ टॉस प्रेडिक्शन भी हम करेंगे और बढ़िया से बढ़िया 11 खिलाड़ी एक साथ आपको बताएंगे फैंटेसी 11 में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले फैंटेसी 11 से जो है बिल्कुल शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फैंटेसी 11 बनाए, तो सबसे पहले विकेट कीपर्स को लेके बात कर लेते हैं यहाँ पे। और फुजायरा के जो हमादान हैं उनको यार जरूर विकेट कीपर्स के लिए सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में कीपिंग करें, बड़े समय से कीपिंग करें अपनी टीम के लिए। और रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो ये खिलाड़ी जो है बड़ा ही ज़बरदस्त साबित हो सकता है विकेट कीपिंग के लिहाज से, और बल्लेबाजी में भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन दे देंगे, तो हमादान को आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बल्लेबाजों की बात करें यहाँ पे, तो 4 बल्लेबाज आप टोटल बिल्कुल चुन सकते हैं। फुजायरा के 3 और 1 शारजहां का खिलाड़ी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले उस्मान जो है फुजायरा की तरफ से यहाँ पे जगह बनाते हैं, उसके अलावा उमेर अली, आसिफ खान और हसन को आप शारजहां की टीम से जरूर यहाँ पे चुन सकते हैं। तो ये हो गए आपके 4 टोटल बल्लेबाज जिनको आप जरूर जो है अपनी बैटिंग लाइनअप में चुन सकते हैं। अब 3 खिलाड़ी फुजायरा के क्यों? अब देखिए, फुजायरा की टीम जो है वो बल्लेबाजों से पूरी तरीके से सजी हुई है और इसीलिए हमने पॉइंट्स के हिसाब से, रेटिंग्स के हिसाब से इन 3 खिलाड़ियों को चुना है। और शारजहां की तरफ से देखा जाए तो उनकी बल्लेबाजी टेस्ट हो सकती है फुजायरा के सामने। फुजायरा की टीम बड़ी ज़बरदस्त करती आई है। अब बल्लेबाजी के बाद आ जाते हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर, तो रोहन को आप ज़रूर यहाँ पर चुन सकते हैं यार, जो कि फुजायरा की टीम से आते हैं। उसके अलावा वसीम भी फुजायरा की टीम से, और फिर अंत में अयान को भी आप चुन सकते हैं जो कि शारजहां से आते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी कॉम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है फैंटेसी 11 में, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर्स और 1 विकेटकीपर्स लिया, ताकि 3 गेंदबाज आपको और एक एडिट एडवांटेज दे सके। तो ये 3 ऑलराउंडर्स आप जरूर चुन सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पे जहूर को आप जरूर चुन सकते हैं शारजहां की टीम में। अब यहाँ पे 2 शारजहां की तरफ से गेंदबाज हैं और वहीं पे 1 आपको जो है फुजायरा टीम से मिलता है। तो यहाँ पे उमेर की बात करूँ तो उमेर आपके आ जाते हैं फुजायरा की टीम से। वहीं 2 गेंदबाज जो यहाँ पे हम खिला रहे हैं, मोहम्मद और जहीर, इनको आप जरूर चुन सकते हैं जब गेंदबाजी की बात हो। मैच बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए, वेदर के लिहाज से देखें तो कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, बड़ा अच्छा मौसम है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैं यहाँ पे जो प्रिडिक्शन करता हूँ, यहाँ पे टॉस की हूँ, मैच प्रिडिक्शन की हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि फुजायरा की टीम जो है ना इस मैच को अपना बनाने वाली है, और शारजहां की टीम थोड़ी सी मुझे स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। टॉस, आई थिंक टॉस जीतो पहले गेंदबाजी करो, तो मैं चाहूँगा कि फुजायरा की टीम टॉस जीते और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले। चेजिंग के लिए आमतौर पर देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है अब तक का हिसाब किताब इस पूरी लीग का देखें, या फिर ओवरऑल जो हम एमिरेट्स में देखते हुए आए हैं वहाँ पर टॉस बड़ा क्रिटिकल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना, चेज करना इन मैदानों पे बड़ा ही ज़बरदस्त साबित होता है। T20 वर्ल्ड कप हमने देखा, पिछले साल IPL हमने देखा, सबसे बड़ी वजह जो रही थी टीम्स की जीतने की वो टॉस पर निर्भर थी। तो मैं फुजायरा के साथ जाना चाहूँगा कि टॉस जीतें, गेंदबाजी करें और मैच अपने नाम ज़रूर करें। तो ये था पूरा का पूरा फैंटेसी 11 से लेकर मैच प्रेडिक्शन और टॉस प्रेडिक्शन को लेकर हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताओ, पसंद आ रहा है शेयर कर दो यार फटाफट से सभी में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।